तीन रमज़ानुल मुबारक हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा मखदूमाए कायनात खातून जन्नत ज़ौजे अली मादरे मरकज़े पुरकार इश्क मादरे काफिला सालार इश्क हज़रत सैयदा फ़ातिमातुज़्ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का योम विसाल है। ये दिन उमूमी तौर पे उनकी यादों की खुशबू से महकता है। तो आज की इस नशिस्त में आपके हवाले से ही कुछ बातें आपके सामने अर्ज़ करूँगा। अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान पर कलिमतुल हक जारी फरमाए। सैयदा पाक का इस्म गरामी जूँ ही लबों पे आता है पलकें अदब से झुक जाती हैं और उनका नाम नामी उनकी ज़ाते गिरामी यकीनन अकीदतों का महवर है। सैयदा फ़ातिमातुज़्ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर की सबसे छोटी साहिबजादी थी और आका करीम अलैहिस्सलाम उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत फरमाते, बल्कि फरमाया कि फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। और सही हदीस में आता है जब सैयदा पाक हुजूर से मिलने आती तो हुजूर खड़े हो जाते। फ़अजलसहा फ़ी मजलसे ही और हुजूर अपनी मसनद पर अपनी साहिबजादी को बिठाते। जिस ज़माने में बेटियां ज़िंदा दरगोर की जाती थीं मेरे हुजूर ने अपनी साहिबजादियों से प्यार करके उनसे मोहब्बत फरमा के दुनिया के सामने बेटियों का एहतराम रखा। आज मेरे घर में भी बेटियां हैं, आपके घरों में भी बेटियां हैं। ये कितनी प्यारी होती हैं और इनसे कितनी मोहब्बत होती है। बाप जब बेटी को दहलीज से रुख्सत करता है तो उसकी क्या कैफियत होती है। और एक ज़माना था कि बाप अपने हाथों से अपनी बेटी को ज़िंदा दरगोर करता था और चैन की नींद भी सो लेता था। एहसास मर गया था मेरे हुजूर ने आके एहसास को भी ज़िंदगी दे और इंसानियत को इंसानियत का भूला हुआ सबक पढ़ाया। अपने कौल से अपने अमल से अपने रवैये से अपने तर्ज़ मुआशरत से अपने अंदाज़ हयात से। सैयदा फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा जो भी हुजूर से कहती हुजूर उसे टालते नहीं थे। और अहले तसव्वुफ़ ने लिखा है आज भी सैयदा के वसीले से हुजूर की बारगाह में कुछ अर्ज़ किया जाए तो वो रद्द नहीं होता। इसीलिए शेख सादी शिराज़ी ने अल्लाह से भी दुआ मांगते हुए कितनी खूबसूरती से एक वसीला पेश करते हुए कहा, इलाही बहक्के बनी फ़ातिमा। अल्लाह अकबर। इलाही बहक्के बनी फ़ातिमा, ए इलाही मैं तेरी बारगाह में फ़ातिमा के बेटों के वसीले से दुआ मांगता हूँ कि बर कौल ईमां कुनी ख़ातिमा, के ईमान पर मेरा ख़ात्मा करना। और आगे क्या नाज इख्तियार किया गया, अगर दाव तम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल। तू मेरी दुआ रद्द करे या कबूल करे, देख मैं आले रसूल का दामन पकड़े हुए हूँ।
तो सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर अलैहि सलातो व सलाम को बहुत ज़्यादा महबूब थी और आका करीम अलैहि सलाम की निस्बत से उनको जो मुकाम इज़्ज़त तकरीम नसीब हुई है, अल्लाह अकबर। इकबाल ने क्या खूब कहा, मरियम अज़ यक नस्बत ईसा अज़ीज़, आज से नस्बत हज़रत ज़हरा अज़ीज़। इकबाल कहते हैं कि सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा अज़ीज़ रोज़गार हैं और उनको जो इज़्ज़त मिली उनके नाम की सूरत कुरान के दामन में है। कुरान में जगह जगह उनका तज़करा फैला है, उनकी पाक दामनी की गवाहियां कुरान ने दी हैं। तो उन्हें ये एजाज़ है कि वो हज़रत ईसा की माँ हैं, तो उन्हें ये एजाज़ कितना सरबुलंद कर गया कि वो नबी की माँ होने का शरफ़ रखती। हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा की जब विलादत हुई, अल्लाह अकबर, तो उनकी माँ परेशान हो गई। उन्होंने मन्नत मानी थी, उनकी वालिदा का नाम हन्ना था, तो उन्होंने मन्नत मानी थी, बैतुल मुकद्दस में खिदमत के लिए वक्फ़ करूंगी जो तू मुझे मालिक औलाद देगा। तो अब परेशान हो गई कि इस बच्ची को वहाँ कैसे रखा जाए, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि मरियम की माँ परेशान नहीं होना, तुम इस बेटी को देख रही हो, हम इसकी गोद में नबी खेलता हुआ देख रहे हैं। तो कहा परेशान नहीं होना, जिस तरह की हमने तुझे बेटी दी है इस तरह के बेटे भी नहीं होते। और फिर उन्हें वो शर्फ मिला कि नबी की माँ बनी। आजमाइश तो बहुत बड़ी थी कि बिन बाप के माँ बनी। अब जो बातें करने वाले होते हैं उनकी ज़ुबान कौन पकड़े। या उख्त हारूना माँ काना अबू के मरासोइन व माँ कानत उम्मो के बगिया। कुफार घेरा डाल के सैयदा मरियम के गिर्द जमा हो गए। ए हारून की बहन, ये क्या चांद चढ़ाया, ना तेरी माँ बुरी थी ना तेरा बाप बुरा था, तो ये क्या चांद चढ़ाया। अब सैयदा मरियम का जी चाहता है जमीन फट जाए और मैं धनस जाऊं जमीन में। फरमाती हैं कि मेरा जी चाहता है कि मैं नसियम मनसिया हो जाऊं, भूली बसरी दास्तां बन जाऊं। अब आप कोई जवाब देती तो वो और तमस्कर उड़ाते। कहा बड़ी तस्बीहात लिए वज़ाइफ पढ़ा करती थी, ये क्या चांद चढ़ाया। तो बड़ा मुश्किल वक्त आ गया। लोग तो फनकार हैं इस दर्जा के पल भर में, संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे, तुम कौन हो और क्या है दागे कबाबी, लोगों ने तो मरियम पे भी इल्ज़ाम तराशे। तो बड़ा सख्त मरहला आया, तो आवाज आई, ए मरियम परेशान नहीं होना, इस मुश्किल वेले अपने बेटे की तरफ इशारा कर। फअशारत इलैही, तो उन्होंने हजरत ईसा की तरफ इशारा किया कि मैं नहीं बताऊंगी, ये बताएगा, मैंने चुप का रोजा रखा है। तो काफिरों ने कहा कैफा नुकल्लेमु, अल्लाह अकबर, हम कैसे बात करें इससे जो कि पंघूड़े का बच्चा है। रिवायात में आता है जब वो ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे और सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा की इस्मत पर बात कर रहे थे, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आगोश मादर में थे। आपने अपने ऊपर से कंबल हटाया और अपना दायां हाथ अपने जानू पे रखा और कुफार की आंखों में आंखें डाल के अल्लाह के नबी ने कलाम फरमाया, इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब व जालनी नबिया। मेरी माँ के दामन इस्मत पे इल्ज़ाम लगाने वालों सुन लो, मैं अल्लाह का बंदा हूँ और अल्लाह ने मुझे किताब भी दी है और नबी भी बनाया है। माँ की गोद में बोल के सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा की इस्मत इज्जत आबरू
और तकद्दस की गवाही दी। अब जुबानें बंद हो गईं। हजरत सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की पाक दामनी का इजहार हुआ। अल्लाह अकबर, रब ने कसीदे बयान किए सैयदा मरियम की पाक दामनी के, उनके तकद्दस के, उनकी पाकीजगी के, और कुरान में उनके नाम की सूरत नाजल की। तो उन्हें यह एजाज मिला नबी की मां होने की वजह से। तो इकबाल बोले, मरियम अज यक नस्बत ईसा अजीज, हजरत मरियम एक नस्बत ईसा से अजीज रोजगार हुई, अज से नस्बत हजरत जहरा अजीज, और तीन नस्बतों से सैयदा फातिमा तो जहरा अजीज रोजगार बनी। वो तीन नस्बतें कौन सी हैं? पहली नस्बत नूर चश्मे रहमतुल लिल आलमी, आ इमाम अव्वलीन व आखिरी, वो नूर चश्म है जनाब रहमतुल लिल आलमीन की, जो अव्वलीन के भी इमाम है आखिरीन के भी इमाम है। अगर सैयदा मरियम सलामुल्ला अलैहा एक नबी की मां है तो हजरत फातिमा नबी की साहिबजादी हैं, और वो अजीज रोजगार हुई नबी की मां होने की वजह से। और जिस नबी की सैयदा मरियम मां हैं, वो नबी मस्जिद अक्सा में हाथ बांध के मेरे नबी के पीछे खड़ा नजर आता है। आ इमाम अव्वलीन व आखिरी, एक तो एजाज ये कि अव्वलीन व आखिरीन के इमाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी हैं सैयदा सलामुल्लाह अलैहा। दूसरी नस्बत बानुए आ ताजदारे हल आता मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेर खुदा, वो ज़ौजाए मोहतरमा हैं ताजदारे हल अता की, यानी मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेर खुदा मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा की ज़ौजाए मोहतरमा हैं। अल्लाह अकबर, ये दूसरा एजाज है सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा का। अब तीसरा एजाज देखिए, मादरे आ मरकज़े पुरकारे इश्क, मादरे आ काफला सालारे इश्क, इश्क की पुरकार का जो मरकज है यानी हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला हो, तो सैयदा पाक इश्क की पुरकार के मरकज की मां हैं। अल्लाह अकबर, अगर नेजे की नोक पे बेटा कुरान सुनाता करबला के मैदान में दिखाई देता है तो जरा देखो पीछे असर फातिमा के दूध का नजर आ रहा है। यहां इकबाल तो बेकाबू हो गया। रिश्ताए आईने हक जंजीर पास, पास फरमाने जनाबे मुस्तफास, वरना गिरदे तुरबतश गर्दीद में, सजदहा बरखा के ऊपाशीद में। फातिमा, जो काम तुमने किया है, जो काम तुमने किया है, अगर मेरे पांव में शरीयत की जंजीरें ना होती और तेरे ही बाबा का फरमान मेरे रास्ते में रुकावट ना होता तो ऐ फातिमा मैं काबे का तवाफ ना करता, तेरी कब्र का तवाफ करता, और काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने की बजाय तेरी कब्र की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ता। रिश्ताए आईने हक जंजीर पास, पास फरमाने जनाबे मुस्तफास, वरना गिरदे तुरबतश गर्दीद में, सजदहा बरखा के ऊपाशीद में। जो काम तूने कर दिखाया, नबी के घर की है अजमत नबी से सुनते हैं, अली के घर की है इज्जत अली से सुनते हैं, वो जिसने मुअज्जज किया घराने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। तो सैयदा का ये कमाल के हुसैन जैसा शहजादा और वफाशियार बेटा जमाने को दिया, जिसने अपना आप तो कटवा लिया, अपने भाई भतीजे भांजे और बेटे तो कटवा लिए, लेकिन नबी के दीन का झंडा गिरने नहीं दिया है। उसको सरखुरू रखा है, उसको सरबुलंद रखा है, उसको ऊंचा रखा है। प्यास काट ली, भूख काट ली, अजियतें सह ली, लेकिन इसके बावजूद नबी के दीन के झंडे को सर नगू
नहीं होने दिया। ये असर नजर आ रहा है फातिमा के दूध का। अल्लाह अकबर। इकबाल कहता है कि तू न दानी के सोजे किराते तू, दिगर गू कर तकदीर उमर्रा। मेरी बहन तू नहीं जानती, अगर तू बहन हो के कुरान पढ़े तो उम्र की तकदीर बदलती है, और अगर तू माँ हो के कुरान पढ़े तो बेटा निजे की नोक पे कुरान सुनाता है। सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिरा आबिदा साजिदा राकिया, सैयदा फातिमतु जहरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का उस्वा, मुखद्दरात इस्लाम के लिए, हमारी बहनों बेटियों के लिए मुकम्मल कामिल और अकमल नमूना है। मेरी माएँ बहनें बेटियां भी पर्दे में बैठ के सुन रही हैं, और जो यहां मौजूद नहीं हैं, आप लोगों की वसातत से ये पैगाम उन तक भी पहुंचेगा। तो मैं गुजारिश करूंगा इस बेहयाई के माहौल में, जबकि मीडिया बेलगाम है, सोशल मीडिया कयामत ढा रहा है, आंखों से हया उड़ गई है, सोचों में आवारगी आ गई है, लिबास सिमट सिमट के बिल्कुल वाजबी सा रह गया है और हया किस्सा पारीना बन गया है, ये उड़ते हुए आंचल, लहराते हुए दुपट्टे और जो है वो बिखरे हुए बाल, ये हया के जनाजे सड़कों के ऊपर घूमते हुए और बाजारों में सिंफी आजादी और जिंसी बेरहरवी और जो कुछ हम देख रहे हैं, तो आज हम सैयदा फातिमा जहरा के किरदार को खिजर राह बनाएं। इकबाल कहता है मजराए तस्रीम रा हासिल बतूल, मादरारा उसवाए कामिल बतूल। मजराए तस्लीम, तस्लीम की खेती का जो हासिल है, जो फल है, वो सैयदा फातिमा है, और माओ के लिए कामिल नमूना सैयदा फातिमा तो जहरा रदी अल्लाह ताला अन्हा है, जिनके आंचल को मेहरो माँ ने भी नहीं देखा था। खादम की, शोहर की खिदमत भी करती हैं, बच्चों की तरबियत भी करती हैं। आसिया गर्दानो लब कुरान सरा, उधर चक्की भी चल रही है और लबों पर कुरान के नगमे भी जारी हैं। आसिया गर्दा चक्की चला रही हैं, वह लब कुरान सरा, और इकबाल कहता है लबों पर कुरान के नगमे जारी हैं। जब लबों पे कुरान के नगमे हो और आटा पीसा जा रहा हो, तो फिर वो गंदम और वो आटा जब बच्चे खाएंगे तो फिर हुसैन इब्ने अली के किरदार ही पैदा होंगे। लेकिन थरकती तस्वीरें और नीम बरहना शक्लें और कानों में जो है वो म्यूजिक की आवाजें, और माँ इस माहौल में बच्चे को दूध पिला रही हो, तो बच्चा हुसैन इब्ने अली का जानशीन तो नहीं बनेगा। कोई अदाकार तो बन सकता है, कोई गुलूकार तो बन सकता है, लेकिन हुसैन इब्ने अली का जानशीन नहीं बनेगा। तो माओ को कामिल अकमल नमूना सैयदा फातिमा तो जहरा का इख्तियार करना चाहिए, उस नमूने को लेके अपनी जिंदगी में उतारना चाहिए। आज हम दलीलें देते हैं, मीडिया से दलीलें सुनते हैं, इस्लाम तंग नहीं है, तुमने इस्लाम के दायरे को तंग कर दिया है। मैं एक ही बात कहा करता हूं, ये दलीलें देने वाले सोचे कि रसूल खुदा की बेटी के पर्दे का आलम क्या था। बस हमारे लिए वो नमूना है, वो कामिल और अकमल नमूना है, और हमने अपनी जिंदगी उस नमूने के मुताबिक गुजारनी है। सैयदा पाक सलामुल्ला अलैहा को इस बात की फिक्र रहती थी कि सारी जिंदगी तो मैंने अपने पर्दे की हिफाजत की, मरने के बाद जब पटड़े के ऊपर डाल करके ले जाया जाता है लाश को, तो उस वक्त जिस्म झलकता है, छलकता है, तो बेपर्दगी होती है। तो जिंदगी में तो इंसान अपने पर्दे की हिफाजत कर लेता है, लेकिन जब जनाजा उठता है तो उस वक्त औरत के जिस्म की डील डोल जाहिर हो जाती है, अगर जो उसके ऊपर पर्दा पड़ा होता है। और ये सख्त फिक्रमंद थी और बात भी करती थी। हजरत अस्मा बिनते उमैस रदी अल्लाह ताला अन्हा सैयदा पाक के पास बैठी थी, और ये वो खातून है जिन्होंने हबशा की जानब हिजरत की थी। जब मुसलमानों पर हालात तंग हो गए तो दो मरतबा हबशा की जानब हिजरत हुई है, और तीसरी हिजरत जो है वो मदीनतुल मुनव्वरा की जानब हुई।
तो हबशा की जानब इन्होंने हिजरत की और वहां कुछ वक्त गुजारा था, तो इन्होंने कहा कि मैंने वहां एक मंजर देखा है कि चारपाई के चारों पाए जो हैं उनके साथ शाखें बांधी जाती हैं और शाखें बांध के उनको फिर आपस में जोड़ दिया जाता है और उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया जाता है, वो एक डोली बन जाती है और उसमें औरत का जनाजा होता है। तो जब ये बात सुनी तो सैयदा की खुशी की इंतहा न रही, कहा यह तो बहुत अच्छा हुआ। और सैयदा पाक का फिर जनाजा पर्दे के ऐसे माहौल में उठता है और रात की तन्हाई में उठता है और बहुत थोड़े लोग जनाजे में शामिल होते हैं। और फिर सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा के पर्दे का आलम यह है, अहले सैयर ने लिखा है, कल कयामत के दिन जब मैदान हशर में सैयदा तशरीफ लाएंगी तो 70,000 हूरों के जलो में होंगी और जब गुजरेंगी तो आवाज आएगी, या अहलल जमे गुद्दू अबसारकुम लेअन्ना फातिमा बिनता मुहम्मदिन हत्ता तमुर्रा। ए नबियो रसूलो पैगंबरो, ए सालेहीन नेकोकारो, ए हशर के मैदान में जमा होने वाले लोगों, अपनी नजरें नीची कर लो, मोहम्मद की साहबजादी गुजर रही है। तो कयामत के दिन भी अल्लाह उनको ये एजाज देगा, उनको तकरीम देगा, उनको इज्जत नसीब करेगा। तो सैयदा पाक का नमूना जिंदगी हमारी मुखद्दरात इस्लाम के लिए, हमारी बेटियों के लिए, बहनों के लिए कामिल अकमल और मुकम्मल नमूना है। मजरा तस्लीम रा हासिल बतूल, मादराना उसवाए कामिल बतूल। तो उनसे हमें सीखना है कि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी कैसे गुजारी। आज की औरत कहती है कि मैं नहीं कर सकती नमाज रोजा और ये उमूर नहीं बजा जा सकती, बच्चों का बोझ इतना है, उनकी तरबियत और उनको खाना देना, उनको दूध देना, बार बार जो है वो उनका लिबास तब्दील करना, कब वक्त होता है, मेरे कपड़े भी नापाक हो जाते हैं, तो कैसे मैं उनको जो है बच्चों को करूं और उसके बाद इबादत भी वक्त पे कर सकूं। तो ये बड़ा मुश्किल है। वो हजरत सैयदा को देखें कि आप अपने कंधों पे मशकीजा भी उठा के लाती हैं, चक्की भी पीसती हैं, बेटों की तरबियत भी करती हैं, शोहर की खिदमत भी करती हैं और मुसल्ला बिछा के जब खड़ी होती हैं तो सारी सारी रात कयाम में, कभी रुकू में, कभी सजदे में गुजर जाती है और फिर कहती हैं मालिक तेरी रातें इतनी छोटी हैं, तेरी बंदी का ज़ौके बंदगी ही पूरा नहीं होता, एक तो रात इतनी लंबी बना दे जी भर के तुझे सजदा ही कर सकूं। तो उन्हें शिकवा रहता है कि रातें इतनी छोटी हैं और मेरा ज़ौके बंदगी ही पूरा नहीं होता, सारा दिन रोजे से गुजरता है, रात कयाम में, रुकू और सुजूद में गुजरती है और बेटों की तरबियत की तो वो कायनात ने ऐसी तरबियत का जौहर नहीं देखा है जो सैयदा फातिमा के घर में पलने वाले बच्चों में तरबियत का रंग नजर आया कि उन्होंने अपना खून दे दिया लेकिन दीन की आन पे आंच नहीं आने दी। तो उनकी जिंदगी हमारे लिए, हमारी मुखद्दरात इस्लाम के लिए, बहनों बेटी और माओं के लिए कामिल अकमल नमूना है। मेरी बहन, मेरी बेटी, तू मगरब की टीनों नहीं है, तू मशरक की बेटी है, तू कोई दिया नहीं है कि जिसको जो चाहे उठा के ले जाए, तू घर की रौनक है, इज्जत है, आबरू है, तू सिमट जाएगी तो मुआशरा फैल जाएगा और तू अगर घर में सिमट के बच्चों को संभाल लेगी तो उम्मत बहरो बर पे काबिज होगी, लेकिन अगर तू घर को ना संभाला तो फिर उम्मत कभी भी बामुराद और कभी भी सरखुरू नहीं हो सकती। अगर पंदे से दुर्वेशे पजीरी, हजार उम्मत बमीरत तू ना मीरी, बतूले बाश व पिन्हा शो अजी असर के दरा होशे शब्बीर बगीरी। इकबाल कहता है कि उम्मत मुस्लिमा मेरी एक बात मान ले, हजार उम्मत मर जाएगी, उम्मत मुस्लिमा तुझे मौत नहीं आ सकती। और वो क्या है, अल्लाह अकबर, बतूले बाश कौम की बहन से, बेटी से, मां से मुखातब हो के इकबाल बोलते हैं, बतूले बाश बतूल बन जा, व पिन्हा शो अजी असर और जमाने की आंख से पोशीदा हो जा, फिर दरागोशे तू शब्बीर बगीरी, फिर तेरी आगोश में भी हुसैन इब्ने अली के जानशीन परवरश पाएंगे। तो अपने आप को समेट के उस किरदार के सांचे में डाल लिया जाए
औरत का दायरा कार घर है, चार दीवारी है, और उस चार दीवारी के माहौल को आसूदा रखे। वो बाहर निकल करके जो है वो घर की जिम्मेदारियों से दस्तबरदार ना हो। ये जिम्मेदारियां मर्द की हैं कि वो बाहर निकले और जरूरियात को फराहम करे। ये औरत की जिम्मेदारी चार दीवारी की है, उस चार दीवारी को रौनक बख्शे और तरबियत पर नई नस्ल को बेहतर बनाने के लिए अपनी सारी सलाहियतें सरफ कर दे। सारी जिंदगी में एक उसका बच्चा भी अगर कौम को मिल गया तो कौम की तकदीर बदल देगा। माई रास्ती हैं या उम्मुल खैर हैं, इन्होंने एक एक बच्चे की तरबियत की, आज माएँ क्यों नहीं कर सकती। बाबा फरीद की माँ बेटे के मिजाज को समझती हैं कि ये शक्कर को बहुत पसंद करता है, तो शक्कर की पुड़िया मुसल्ले के नीचे रख देती हैं, और बेटा मुसल्ला उठाता है तो नीचे शक्कर की पुड़िया मिलती है। रोज ड्यूटी देती हैं, और बेटा शौक से नमाज पढ़ता है, बाद में शक्कर की पुड़िया भी मिलेगी। एक दिन कहीं गई थी तो नमाज का वक्त हुआ, माँ वहाँ बेचैन है और वही मुसल्ला बिछा के कहती है, मालिक मेरी लाज रखना, आज बेटा मुसल्ला उठाए और उसको शक्कर की पुड़िया नहीं मिलेगी तो राज खुल जाएगा, तो बेटा कहीं बदजन ना हो जाए। उसका गुमान ये है कि मालिक अपनी करम नवाजियों से ये पूरी मुझे डायरेक्ट देता है, दरमियान में कोई नहीं है। अल्लाह अकबर। खैर, माँ वापस पलटी और सबसे पहले तजस्सुस भरी निगाह से बेटे को देख रही थी कि बेटा कुछ शिकायत तो नहीं करता, लेकिन फरीद बेटे के लब पे कोई शिकायत नहीं थी। खैर, माँ ने पूछ लिया, बेटा नमाज पढ़ी थी? कहा, अम्मा नमाज पढ़ी थी, लेकिन आज जो शक्कर मिली है उसका चस ही कोई और था, उसका जायका ही कोई और था। तो आंखों से छम छम आंसू बरसने लगे, मालिक तूने मेरी लाज रख ली। तो फिर बताया कि बेटे मैं तो यूं ही पुड़िया रखती थी, आज मालिक ने जो है वो मेरी लाज रखी है और तेरे मुसल्ले के नीचे पुड़िया रख दी। फिर फरीद फरीद बना ना, तो पीछे माँ खड़ी नजर आती है। हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो, अगर गौसे आजम है तो उनके जुब्बे में 40 दिनार माँ सी रही थी ना, और साथ नसीहत कर रही थी कि बेटा जो भी हो झूठ नहीं बोलना है। फिर डाकुओं को बता रहे हैं कि 40 दिरहम तो मेरे पास भी हैं। तो डाकू कहते हैं, अजीब कहानी है, भला को डाकुओं को भी पैसे बताया करता है? कहा, मेरी माँ ने कहा था झूठ नहीं बोलना, जो भी हो जाए लेकिन झूठ नहीं बोलूँगा। अब डाकू शर्मिंदा होकर बोलते हैं, ये माँ से झूठ नहीं बोलता, हम रब का हुक्म नहीं मानते। और ये पहले लोग थे जो हजरत गौसे आजम के हाथ पे जो है वो तौबा करने वाले थे। अल्लाह अकबर। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जब दरसगाह में जाते हैं, उस्ताद पढ़ाता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, पूरा पारा सुना देते हैं। दूसरे पारे का आगाज होता है सयकूलुस्सुफहाउ मिनन्नास, बच्चा सारा पारा सुना देता है। तीसरा पारा, चौथा पारा, 14 पारे सुना दिए। कहा, यहां से शुरू करो, सुभान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। तो कहा, बेटा जिस दरसगाह में 14 पारे पड़े थे वहीं बकिया कुरान भी हिफ्ज कर लिया होता। कहा, उस्ताद जी मैं किसी दरसगाह में नहीं गया, मेरी माँ 14 पारों की हाफिजा थी, और सुबह जब उठती थी तो कुरान भी पढ़ने लगती और काम काज भी करती, तो बचपन से ही सुन सुन के माँ की आगोश से ये 14 पारे याद हो गए। तो माएँ अगर ऐसी हों तो बेटे ऐसे होते हैं, इसलिए माँ के किरदार को रोशन करना होगा, माँ के किरदार को बेहतर करना होगा, और माओं के लिए कामिल अकमल नमूना सैयदा पाक सलामुल्ला अलैहा का नमूना जिंदगी है, और उनकी जिंदगी के एक एक पहलू से रोशनी लेकर के, उजाला लेकर के मुकद्दरात इस्लाम की जिंदगियों में चरागा किया जा सकता है, और उनकी जिंदगी से एक अच्छी नस्ल तैयार हो सकती है। किसी ने कहा था, मुझे अच्छी माएँ दे दो मैं तुम्हें अच्छी नस्ल दूंगा, तो सैयदा पाक का उसवा हमारे लिए यकीनन कामिल और अकमल नमूना है। अल्लाह ताला उनके नकुशे पाक की बरकतें और उनके वजूद से वाबस्ता रहमतें हमारी माओं बहनों और बेटियों को नसीब फरमाए। और आज की इस मजलस में हम उनकी वसातत से अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह हया सोज माहौल से इस उम्मत को निजात अता कर दे, और इस उम्मत को फिर अजमत पारीना और रफ्ता अता कर दे,
और कौम की बेटियों को उस्वाए बतूल पे गामजन कर दे।